हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बड़ा सड़क हादसा, 16 लोगों की मौत। पीटीआई हवाले से खबर, बस में 45 लोग सवार थे। पीएम मोदी ने जताया दुख, मृतकों के परिजनों को 2 लाख के मुआवजे का ऐलान। थोड़ी ही देर में होगा महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार का बहुमत परीक्षण। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के समर्थन से 170 विधायकों के साथ का दावा किया। शिंदे सरकार पर शरद पवार का बड़ा दावा, का 6 महीने में गिर सकती है सरकार। मध्यावर्ती चुनाव के लिए तैयार रहने को कहा। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में वाराणसी की जिला अदालत में आज फिर होगी सुनवाई। मुस्लिम पक्ष जिला जज के सामने रखेगा अपना पक्ष। आंध्र प्रदेश के दौरे पर पीएम मोदी, भीमावरम में स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की जयंती समारोह में हिस्सा लेंगे। डिजिटल इंडिया वीक 2022 का भी शुभारंभ करेंगे। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा पर हमले की आतंकी साजिश नाकाम। रीआईसी पुलिस ने बरामद किया टिफिन बम, कल 2 आतंकी हुए थे गिरफ्तार। पटना में अतिक्रमण हटाने का काम लगातार जारी। नेपाली नगर में चला प्रशासन का बुलडोजर, 80 से 90 घरों को ध्वस्त करने की कार्रवाई जारी। कल भी चला था बुलडोजर। अस्पताल में भर्ती हुए आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव, सीढ़ी से उतरते वक्त गिरने से लालू यादव को लगी कंधे में चोट, कंधे की हड्डी टूटी। बिहार में बाढ़ से बिगड़े कई जिलों के हालात। पूर्णिया में घरों में पानी घुसने के बाद पलायन को मजबूर हुए लोग। आप मजबूरी और स्थिति समझ पा रहे हैं लोगों की, कि खाने को मोहताज लोग हो गए हैं।